गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 3 विषय हिंदी, डेट 8 अगस्त। बच्चों, हम लोगों ने निहारी का हिंदी पाठ माला पढ़े थे, मक्खी जाल में फंसी। आज हम लोग उस कहानी को आगे पढ़ेंगे, पेज नंबर 33। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हराया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही है, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को मैं अभी सबक सिखाती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है, इसलिए उसने मकड़ी के जाला की तरफ इशारा किया, जो तुम वहाँ पर जाकर उस मकड़ी को सबक सिखाओ। तो इस तरह से हमने देखा कि वो मक्खी कितना घमंड करती थी। इस कहानी से हमने यही सीखा कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और आगे आज हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे। आप लोग इस शब्दार्थ को ध्यान से सुनेंगे। एकदम, बहुत पास, प्रणाम, नमस्ते, मंद मंद, धीरे धीरे, हिम्मत, साहस, विशाल काड़े, बहुत बड़ा, त्यों त्यों, वैसे वैसे, पंजा, शेर का पैर, ज्यों ज्यों, जैसे जैसे, भिन्न भिन्न, मक्खी की आवाज़। तो बच्चों, आप लोग ये शब्दार्थ याद करेंगे। थैंक यू।